तो आज हम सीखेंगे ऑटो ट्यून कैसे यूज करते हैं। तो ऑटो ट्यून एक ऐसा प्लगइन होता है कि जब भी आप किसी गाने को गाते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्केल पे गाते हो और उसमें सर्टेन नोट्स आती है। जब भी आप उन नोट्स के बाहर चले जाते हो गाते टाइम, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, तो जब भी हम स्केल के बाहर चले जाते हो तो ऑटो ट्यून का काम है कि हमारे वर्ड्स को पकड़ना है, फिर हमारे वोकल्स को पकड़ना और उसको ट्यून में लेकर आना। और कई बार अगर हम ट्यून में भी होते हैं बट ये ऑटो ट्यून क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश करता है, जिससे रोबोटिक साउंड करने लग जाते हैं और कुछ ऐसी आवाज आने लग जाती है। तो गाइस सबसे पहले ऑटो ट्यून में हमें सिलेक्ट करना होता है स्केल। तो लेट्स से अगर आप गाना गाते हो सी मेजर स्केल में, तो आप जाओगे अपने स्केल के पास और आप चूज कर सकते हो मेजर स्केल और फिर आप नीचे चूज करोगे सी। और ऐसी अगर लेट्स से आप कर रहे हो माइनर स्केल और आप कर रहे हो एफ माइनर, तो आप जाओगे आप चूज करोगे नेचुरल माइनर। अगर आप हार्मोनिक माइनर कर रहे हो तो हार्मोनिक माइनर भी चूज कर सकते हो और फिर आप करोगे एफ। बट आप देखोगे इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप कोई भी स्केल आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे राइट में आपको शार्प्स और फ्लैट भी दिख जाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा गाना है ए शार्प माइनर स्केल में, तो जल्दी से ए शार्प माइनर चूज करते हैं। और इसी के ऊपर आपको दिख रहा होगा रेंजेस। तो रेंजेस बेसिकली होती है कि जब भी एक फीमेल गाती है तो एक पर्टिकुलर रेंज में गाती है, कोई मेल गाता है तो एक पर्टिकुलर रेंज में गाता है, और ऐसी बहुत सारी रेंजेस होती है जिनके अलग अलग नाम होते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी वो नाम आ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं दो ऐसी नॉब्स की जो कि ऑटो ट्यून के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली है स्पीड नॉब। तो स्पीड नॉब बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आप कोई नोट गाते हो जैसे अ, तो अगर आप अ गाते हुए हल्का सा भी नोट के या पिच के बाहर चले जाते हो तो स्पीड नॉब काम आती है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को आप पिच में ला सकते हो, उसको पकड़ के आपके स्केल में ले आएगा। तो स्पीड नॉब का काम बेसिकली क्या है, जो भी आप वर्ड गा रहे हो या फिर शब्द गा रहे हो उसको पिच में लेकर आना। और यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि हम कितनी जल्दी उसको पिच में लाना चाहते हैं। आपको एक और नॉब दिखेगी नोट ट्रांजिशन। अब ये नोट ट्रांजिशन के नॉब क्या करते हैं, जब भी आप एक नोट से दूसरे नोट की तरफ जंप करते हो, जैसे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो या जुबिन नौटियाल के, तो एक नोट से दूसरे नोट पर जंप करते हैं, सुर चेंज करते हैं, तो सुर चेंज करते हुए काफी बार ये होता है कि वो स्केल के बाहर चले जाते हैं, फिर कोई ऐसी नोट को टच कर लेते हैं जो स्केल में नहीं थी। तो नोट ट्रांजिशन नॉब तब काम आती है जब आप एक नोट से दूसरे नोट पे जंप करते हो, और स्पीड नॉब तब काम आती है जब आप एक ही शब्द को हल्का सा पिच के बाहर गा देते हो। और अब बात करते हैं टॉलरेंस नॉब की। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सिंगर्स कहते हैं कि हमें ऑटो ट्यून वाला वाइब नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे वोकल्स रॉ लगे। बट कहीं ना कहीं वो इंजीनियर को हल्के बहुत ट्यून करने पड़ते हैं, बट ट्यून इस तरह हो कि वो पता भी नहीं लगे कि ऑटो ट्यून हो रखा है नहीं हो रखा। तो टॉलरेंस नॉब आपको दिखेगी बेसिकली यहाँ पे आप चूज करते हो सेंस और यहाँ चूज करते हो टाइम। तो ये क्या सेट करते हैं कि हल्का सा जब भी आप नोट ट्रांजिशन करते हो तो आप कहीं ना कहीं पिच के बाहर जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आप जब ई से जी पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आप स्केल के बाहर की नोट्स को टच करोगे ही करोगे। बट अगर आप थोड़ी देर के लिए भी वो टच करते हो स्केल के बाहर के नोट्स, टॉलरेंस नॉब से आप उसको बोल सकते हो कि आप मान लो 30 सेंट्स तक अगर आप पिच के बाहर चले जाते हो और आप चूज करते हो 20 या 34 मिलीसेकंड तक, तो ऑटो ट्यून काम नहीं करेगा। तो ये इतना काफी ज्यादा काम आता है नेचुरल बनाने के लिए। और कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे वोकल्स ऑटो ट्यून तो हो जाएं, बट नोट ट्रांजिशन करते वक्त पता ना लगे कि ऑटो ट्यून लगा या नहीं लगा, तो हम टॉलरेंस को यूज कर सकते हैं सटल वे में, ताकि ऑटो ट्यून अपना काम भी करे बट पता भी ना लगे कि ऑटो ट्यून हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको नीचे एक नॉब दिख रही होगी जिसका नाम है विब्राटो। तो आप पहले तो इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ भी छोड़ सकते हो। तो जैसे ही आप ऑन करते हो तो ये सेंटर उस पे होता है, और लेफ्ट में करते हो तो कम हो जाता है, और राइट में जाते हो तो ज्यादा हो जाता है। बट ये विब्राटो होता क्या है, तो विब्राटो बेसिकली पिच में शिफ्ट होता है, जो ऊपर नीचे आप करते हो। और बेसिकली जब आप कोई सिंगर को सुनते हो स्पेशली पंजाबी सिंगर, तो वो जब गाते हैं और वो एक वर्ड आता है ए, तो विब्राटो होता है। और राइट साइड में आप देखोगे करेक्शन। तो करेक्शन क्या है कि अमाउंट है कि आपको कितना ज्यादा अपना ऑटोट्यून यूज करना है या नहीं करना है। तो आप देख रहे हो कि पियानो रोल पे बहुत सारे पिंक कलर के डॉट्स बने आ रहे हैं, और अगर आप इसे क्लिक करोगे तो राइट एरो, लेफ्ट एरो, क्रॉस और ये सब बना रहा है, तो ये है क्या। तो जो माइनस सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट करता है अगर आप वो नोट पे सुर लगाते हो तो वो एक इलीगल नोट है, तो उस नोट में हमें गाना ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपके आवाज को पकड़ के एक नोट नीचे एक नोट ऊपर पिचअप कर देगा, जिसके भी आप ज्यादा क्लोज हो गए तो वो नोट यूज नहीं होगी। और ऐसी अगर आप राइट एरो देखोगे तो राइट एरो क्या करता है, इसको मिस करके उसका अगले नियरेस्ट राइट साइड पर नोट को पकड़े, और लेफ्ट एरो उसके पीछे वाले नोट को पकड़े। और अगर क्रॉस बना आ रहा है तो आपका ऑटो ट्यून कुछ करेगा ही नहीं, उसको बाईपास कर देगा, मतलब बिल्कुल भी ट्यून नहीं करेगा। और अगर कुछ भी नहीं बना हुआ तो ये नोट आपके स्केल में आती है और वो एकदम करेक्ट है। तो लिंक बटन का बेसिकली काम क्या है, जो कि आपकी स्पीड और नोट ट्रांजिशन को लिंक कर देता है। अब ये लिंक क्यों करा जाता है, क्योंकि जब भी आप गाते हो तो आप एक नोट पे जब आप सस्टेन करते हो तो भी थोड़ा बहुत बाहर जाते हो, और जब आप नोट ट्रांजिशन करते हो तो भी आप बाहर जाते हो अगर आप एक ट्रेंड सिंगर नहीं हो, तो आप इसको लिंक करके भी यूज कर सकते हो। और गाइस आप इस प्लगइन के नीचे देख सकते हो लिखा है MIDI इनपुट / कीबोर्ड लेफ्ट साइड में, और वहां पे जो भी चीजें अगर ये समझनी है तो ये वाली वीडियो आ रही होगी, काफी फनी वीडियो, जाके देखो इसको। तो एक बार वोकल्स को बिना ऑटो ट्यून के सुन के देखते हैं।
I just got a text, said I'm next, it's the other side. I cannot regret what I said, it's just overtime. I can overstep, shape my rep, I ain't always shy. Got you on my neck, on the deck for the... तो गाइस इसको जानबूझ के इस स्टाइल से गाया गया जिससे कि ये लिल बेबी जैसा या फिर फ्यूचर जैसा या फिर जितने भी न्यू स्कूल म्यूजिक है लाइक इवन एमसी स्टैन जिस तरीके से करते हैं वैसा लगे, तो उसके लिए इसको इस तरीके से गाया गया। और अब इस पे ऑटो ट्यून लगाते हैं एक बारी। तो इस पे ऑटो ट्यून लगाते टाइम हमारा पर्पस ये होगा कि काफी ज्यादा ऑटो ट्यून करा जैसे बेला और या फिर एमसी स्टैन के ट्रैक्स में होता है, तो हम क्या करेंगे स्पीड को काफी फास्ट कर देंगे। तो जब भी स्पीड कम होती है तो ऑटो ट्यून ज्यादा जल्दी काम करता है, तो ज्यादा रोबोटिक साउंड आती है। और जितनी ज्यादा स्पीड या नोट ट्रांजिशन कम होता है यानी कि वैल्यू ऊपर की तरफ होती है तो ऑटो ट्यून थोड़ा स्लोली काम करता है। I just got a text, said I'm next, it's the other side. I cannot regret what I said, it's just overtime. और आप देख सकते हो जब ऑटो ट्यून फास्ट काम कर रहा है तो एक रोबोटिक इफेक्ट देता है जो कि ऑटो ट्यून में ट्रेविस स्कॉट, लिल बेबी इन सब की साउंड पे अच्छा लगता है। I just got a text, said I'm next, it's the other side. I cannot regret what I said, it's just overtime. I can overstep, shape my... तो गाइस इस गाने में हमने काफी ज्यादा ऑटो ट्यून रखा है बिकॉज इस गाने की रिक्वायरमेंट वैसी है। बट अगर आपका गाना है लेट्स से कोई एक प्लेन कोई सूदिंग सा साउंड वाला गाना है तो उसमें आप कोशिश करो अपनी स्पीड को ऊपर रखो, कोशिश करो 25 से ऊपर हो, 25 से ऊपर हो। और स्पेशली उन टाइप के गानों में जब भी नोट ट्रांजिशन होती है तो हल्का सा टाइम बढ़ा के चलो, क्योंकि अगर आप उसको बहुत कम टाइम लग दोगे तो वो एक रोबोटिक इफेक्ट देने लग जाता है। और ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आप प्रोफेशनली सिंगर नहीं हो या फिर अच्छा नहीं गाते तो आपको ऑटो ट्यून वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोबोटिक इफेक्ट आएगा ही आएगा। I just got a text, said I'm next, it's the other side. I cannot regret what I said, it's just overtime. I can overstep, shape my rep, I ain't always shy. Got you on my neck, on the deck. I just got a text, said I'm next, it's the other side. I cannot regret what I said, it's just overtime. I can overstep, shape my rep, I ain't always shy. Got you on my neck, on the deck. ऑल राइट गाइस, तो व्यू आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी हो, समझ आया होगा ऑटो ट्यून कैसे यूज करते हैं। बट एक और चीज करनी होती है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो, लाइक करो, ऑटो ट्यून करो कमेंट में जाके। और इसी के साथ क्या करना होता है, और अगर आप लोग हमसे म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स लेना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग करवाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है बेसिला.in, नीचे नंबर भी होगा, तो हमें कॉन्टैक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।